तो दिल्ली से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। श्रद्धा हत्याकांड में बड़ा खुलासा, जंगल में मिली हड्डियों का हुआ डीएनए टेस्ट। आपको बता दें कि पिता के डीएनए से मैच हुई हड्डियां, तो डीएनए टेस्ट में हड्डियां श्रद्धा की पाई गई है। मरौली के जंगल से मिली थी ये हड्डियां। आफताब के घर से मिले थे ब्लड सैंपल, पुलिस के लिए हेल्पफुल साबित हुए सैंपल। तो देखिए, फिलहाल डीएनए और पॉलीग्राफ की रिपोर्ट आई है, नार्को टेस्ट की रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। बॉडी पार्ट्स का पोस्टमार्टम किया जाएगा, पुलिस को सीएफएसएल रिपोर्ट भी मिली। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो देखिए, पुलिस के लिए हेल्पफुल साबित हुई है ये सैंपल। डीएनए टेस्ट में हड्डियां श्रद्धा की पाई गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी अपडेट, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट। तो जंगल से मिली हड्डियों का डीएनए टेस्ट हुआ है, पिता के डीएनए से हड्डियां मैच हुई हैं। डीएनए टेस्ट में हड्डियां श्रद्धा की पाई गई। महरौली के जंगल से ये हड्डियां मिली थी, आफताब के घर से ब्लड सैंपल मिले थे, पुलिस के लिए ये जो सैंपल है वो हेल्पफुल साबित हुए हैं। फिलहाल डीएनए और पॉलीग्राफ की रिपोर्ट आई है, नार्को टेस्ट की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। तो बॉडी पार्ट्स का पोस्टमार्टम किया जाएगा, पुलिस को सीएफएसएल रिपोर्ट भी मिली। तो श्रद्धा हत्याकांड में ये बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जंगल से मिली हड्डियों का डीएनए टेस्ट हुआ है, पिता के डीएनए से ये हड्डियां मैच हुई हैं। डीएनए टेस्ट में हड्डियां श्रद्धा की पाई गई। तो महरौली के जंगल से ये हड्डियां मिली थी, आफताब के घर से ब्लड सैंपल लिए गए। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को सीएफएसएल लोधी रोड से डीएनए की रिपोर्ट मिल गई है। डीएनए की रिपोर्ट मिली है वो पुलिस स्टेशन में हेल्पफुल है। इसके साथ साथ हमें पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। श्रद्धा हत्या केस के अंदर दिल्ली पुलिस को महरौली के जंगलों के अंदर जो बॉडी के पार्ट्स मिले थे श्रद्धा के, उसका डीएनए टेस्ट कराया गया। उस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, जो कि श्रद्धा के पिता द्वारा कराया गया था। उस रिपोर्ट के अंदर वो काफ़ी हद तक श्रद्धा की पाई गई है। और आपको बता दें, अभी तक डीएनए और पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट आई है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस को इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूती मिल चुकी है। इसी के साथ जो श्रद्धा के ब्लड के जो पार्ट्स मिले थे, जो एफएसएल की टीम ने लिए थे, वो भी ब्लड के पार्ट्स काफ़ी हद तक श्रद्धा के ही पाए जाते हैं। इस सारी तमाम बातों को लेकर श्रद्धा हत्या केस के अंदर जो कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही थी, अब दिल्ली पुलिस को इस केस के अंदर मिल गई है मजबूती। फिलहाल अब इन जो मिले बॉडी पार्ट्स का भी पोस्टमार्टम होएगा, उसकी भी रिपोर्ट आएगी। फिलहाल डीएनए और पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस इस श्रद्धा हत्या केस के अंदर काफ़ी हद तक मजबूत नजर आती है। और दिल्ली पुलिस अब तैयारी कर रही है सबूतों को एकत्रित कर इस केस की चार्जशीट। कैमरामैन बख्शी के साथ में लवली बख्शी, नेटवर्क 10 दिल्ली।